गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय स्टोरी। जब मैं नेपाल गया था तो सीन कुछ ऐसे हैं। तो अभी फिलहाल हम हैं महाराजगंज क्षेत्र में और मेन रोड सुनौली रोड पे, जहाँ से नेपाल में एक क्रॉसिंग के लिए बंसार का जो भी फॉर्मेलिटी है पूरा करना पड़ता है, जिसको हम बंसार बोलते हैं। मतलब क्रॉसिंग के लिए जो भी चेकअप वगैरह होता है, गाड़ी वगैरह इंसान है, उसके लिए हम लोग रुके हुए हैं। और सुबह में 7 बजे तक ये होगा, तो फिलहाल हमें करना होगा 7 बजे तक इंतज़ार। 7 बजे से पहले भी हो जाएगा, बट देखते हैं कितने जल्दी हो जाएगा। 5 बजे के बाद तो सुबह हो ही जा रहा है, बट यहाँ मैक्सिमम टाइम बताया जा रहा है। बंसार जैसे खुलेगा तैसे हम यहाँ से निकलेंगे। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर सुबह का फुटेज दिखिए, फिर सुबह का जर्नी इंजॉय करेंगे हम साथ। तो गर्मी से बुरा हाल है यहाँ पे, और फिलहाल इंतजार है बस बंसार खुलने का। जैसे खुलेगा तैसे हम अंदर के लिए निकल चुके हैं। जैसा कि मैं नेपाल बॉर्डर के अंदर क्रॉस कर गया था और गाड़ी लाइन में लग चुकी थी, मतलब पार्किंग में। और ये है बंसार कार्यालय, जहाँ से गाड़ियों की परमिट मिलता है हमारे। सुबह बज रहे हैं 7:05 और 2 बजे का हम लोग रात में आए हुए थे यहाँ पे। फिलहाल इंतजार है बस बंसार खुलने का, और हम लोग नेपाल में एंट्री कर चुके हैं। और बंसार जो ऑफिस है, जहाँ पे 2 या 4 दिन के लिए यहाँ पे कागज़ बनवाना पड़ता है अंदर एंट्री के लिए, वो अभी बंद है और इसी के इंतज़ार में है। और काफ़ी गर्मी हो रही है, गाड़ी पूरी तरफ से चारों तरफ से फंसी पड़ी हुई है, हम निकल नहीं सकते कहीं पे। बस इंतज़ार है और जब तक निकलें हम यहाँ से। और सुबह सुबह मौसा जी ने जा करके 2,000 का 3200 करेंसी यहाँ पे वापस पा लिया है। करेंसी भजा करके मतलब 2,000 रुपये का 3200 रुपया हुआ यहाँ पे, और इसको हम लोग को यूज करना है अंदर जाके। वैसे इंडियन पैसा भी हर जगह चलता है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, बट जो है सो सही है। बट यहाँ अपना इंडिया का जो पैसा है वहाँ यहाँ आने पर कुछ पैसा बढ़ जाता है एक्सचेंज। तो फाइनली बंसार कार्यालय कुछ मतलब यही आधा या एक घंटे बाद खुल गया, जैसे उसका समय था 7 बजे चुका था। और वहाँ पर थे ब्रोकर्स, जिन्होंने हमारा काम कुछ पैसे तो लिए पर जल करवा दिए, और फिर हम लोगों को उन्होंने परमिट दिलवा दिया। और बचा एक कागज़ था जो फिटनेस था गाड़ी का, जिसको मिलने में हमें लगा फिर आधा घंटा टाइम अधिक लगा। जैसे कि हम नेपाल में 3 किलोमीटर अंदर चले गए, और अंदर जाने के बाद ब्रोकर जो था वो साथ में आया और कहीं और से फिटनेस बनवा करके, तो फिर उसने हमें फिटनेस दिया और फिर हम निकले आगे की तरफ। और कुछ ही देर बाद हमारे पीछे थे बहुत सारे बाइकर्स, मोटो ब्लॉगर्स, जो कुछ इस प्रकार थे। तो अभी हम हैं शांतिनगर भैरवा, और गाड़ी का कुछ कागज़ था फिटनेस है और जो मिला नहीं अभी तक हम लोग को, इसलिए इंतज़ार किया जा रहा है। और पीछे होटल है, होटल ऐसी, और यहाँ पे कुछ समय के लिए विराम लेकर के कुछ खाया पिया जाएगा और फिर यहाँ से अपनी जर्नी को जारी किया जाएगा। फिलहाल हमें टाउने बाजार मनोकामना देवी जाते हुए रास्ते में पड़ता है, और यहाँ पे कुछ होटल्स हैं और जहाँ पे आप स्टे करके कुछ खा पी सकते हैं, रह भी सकते हैं, काफ़ी अच्छा होटल है। और फिलहाल हम लोग यहाँ कुछ देर के लिए रुकेंगे और फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ,
और काफ़ी राइडर भी हमारे साथ हैं, एक्चुअली आगे आगे वो लोग चल रहे थे, हम लोग पीछे पीछे आ रहे थे। और यहाँ पे देखिए यहाँ का कुछ व्यू ऐसा है, बहुत ऊंचाई पर है हम यहाँ इस समय, और यहाँ से नीचे लगभग 100 फीट नीचे 4 मंजिला ऊपर है हम लोग। ये हमारा होटल, either way I don't wanna be a part of it, can I just get some space, I don't have the heart for this, I can't be picking up the pieces fixing scars from this, is this an argument or just... तो सीन कुछ ऐसा है कि दाल में बिल्कुल नमक नहीं है, और ये है हमारी थाली जिसे हमने चट करके और धीरे धीरे खाएंगे। तो खाना पीना खाने के बाद हम पहुँचे शाश्वत धाम, और फिर वहाँ पे हमने दर्शन किया पूरी फैमिली के साथ। तो कुछ ऐसा है फर्स्ट लुक में शाश्वत धाम, जहाँ पे चारों तरफ गार्डनिंग किया गया है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का देखने में, पास से जाने में तो और अच्छा लगता है, पूरी तरह से गोल्डन दिखता है। और ये है वहाँ का मेन एंट्रेंस जहाँ से हमने एंट्री लिया, बैग वगैरह है तो बगल में जमा करने का था, पास जमा करने के लिए जगह था, और यहाँ से कुछ अंदर की तरफ सामने की तरफ म्यूजियम है, छोटा मोटा छोटा सा म्यूजियम है और प्रसादन केंद्र, और फिर यहाँ पे बच्चे लोग वहाँ पे टिकटॉक वगैरह रील्स बना रहे थे। और फिर हम निकले धीरे धीरे आगे की तरफ, और चारों तरफ का व्यू कुछ ऐसा है। और यहाँ से आगे जाने पर सेल्फी पॉइंट है बहुत सारे, मतलब यहाँ से जाने पर आगे की तरफ और फिर हम आगे की तरफ गए, और कुछ ऐसा नज़ारा है वहाँ का। ये तो ये है मंदिर के पीछे का व्यू जहाँ से हम फोटो क्लिक कर रहे हैं, मतलब वीडियो बना रहे हैं, और वहाँ से रास्ता गया हुआ है जैसे घुमावदार करके, और ये छोटे छोटे मंदिर मंदिर और मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ पे कुछ खाने पीने का रेस्टोरेंट है। और खाने पीने के एक्चुअली दोपहर में था तो हम लोग कहीं गए नहीं खाने पीने के लिए, और आगे की तरफ गार्डनिंग था और जहाँ पर शादी वादी का कार्यक्रम किया जाता है, और फिर आगे जाके राइट लेने पर मंदिर का फर्स्ट लुक मिलता है, जैसे गेट एंट्रेंस मिलता है, और मेन गेट बंद था मंदिर का इसलिए कुछ हमने वहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक नहीं किया। बट हम निकले शाश्वत धाम से पूरी फैमिली के साथ पूरा घूम करके, बट शाश्वत धाम तो दिन में बंद था, और बंद होने के कारण उन्होंने चारों तरफ पार्क का नज़ारा देखा, और फिर जो भी मूर्तियाँ बाहर की तरफ थी उनको मैंने देखा। और फिर वहाँ से गाड़ी चली तो डायरेक्ट शाम हो गया, शाम के 6:30 बजे तक हम पहुँच चुके थे अपने मनोकामना से कुछ दूर पहले थे, मतलब यही कोई 5 या 6 किलोमीटर पहले होटल्स थी जहाँ पे चाचा ने गाड़ी रोक दिया, और वहाँ पे हमने होटल लिया। और होटल लेने के बाद, होटल लेते वक्त मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाया था, इसकी वजह से कुछ वीडियोज़ वहाँ फैन नहीं, फिर हमने छत पे गया था तो छत से कुछ वीडियो मैंने बनाया जहाँ पे नेपाली लोगों की शादियाँ हो रही थी, एक शादी हो रही थी जिसको मैंने कैप्चर किया, और फिर वहाँ का सीन कुछ कैप्चर। हमारा पहला दिन, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।